तो हेलो गाइस, आज मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, सीधा पॉइंट पे आता हूँ गाइस कि मैं मार्वल फ्यूचर फाइट में क्या हुआ आज। तो गाइस आज मेरे पास ना भाई 2240 क्रिस्टल थे, अभी मेरे पास 1155 क्रिस्टल है। इसके पीछे मेरे ही भूतिया पंथी का हाथ है। ओके, अब गाइस सबसे पहले मेरे पास क्या हुआ मैं बताता हूँ। जैसे कली से न्यू इवेंट आए। ओके, तो गाइस मैंने यहाँ गया कॉमिक क्रॉस में भाई, यहाँ पे मैं समझा कि यह नया इवेंट है भाई। मैं हाल ही में ही मतलब मार्वल फ्यूचर फाइट ज्वाइन किया हूँ, तो भाई मैंने क्या सोचा भाई यहाँ पे अपने को मिल रहा है बहुत सारा, और यहाँ पे एक्चुअली में सिटी भी मिली थी तो मैं बहुत खुश हुआ। तो यहाँ पे मैं भाई रिवॉर्ड चेंज, तो भाई मैंने समझा ये नीचे के जो सारे रिवॉर्ड हैं भाई इनमें चेंज हो जाएंगे। अब भाई मैं इतना बड़ा हूँ होतिया कि ये मेरी अपनी गलती मानता हूँ, किसी को पढ़ने से भाई मार्वल फ्यूचर फाइट तुम्हारी गलती नहीं, हम न्यू प्लेयर हैं, हम लोग तुम्हारे गेम में, ये हमारी गलती है, आई एम सॉरी। लेकिन मैं क्या वो बता रहा हूँ, ये 75 क्रिस्टल है ना, इसके ऊपर क्लिक करो, मैं समझा ये रिवॉर्ड चेंज हो जाएंगे। उससे मैंने क्लिक किया भाई, जो मेरे साथ हुआ मैं बोलूँगा भाई किसी के साथ ना, और भाई ऐसा कोई मत करो प्लीज़ कि यहाँ पे भाई मेरा ऊपर वाला रिवॉर्ड यानी CTP एक वो मेरे हाथ से निकल गया। और भाई मैं क्या बोलूँ भाई, मैं इतना गुस्सा है भाई, मैंने 75 क्रिस्टल दिए, अब भाई बोलूँगा अब तेरा 1000 से ज़्यादा क्रिस्टल कहाँ गायब हो गए भाई। जब CTP गए ना तो कौन सी चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ओके ये आया, और ये इसके अभी मुझे ज़रूरत नहीं। अब भाई मेरी हड्डी, अब भाई जब मेरी हड्डी है तो भाई मैं आपको बता दूँ, मैं फटाफट से ना 75 क्रिस्टल वेस्ट करते गया क्योंकि भाई एकदम नया नया स्टार्ट हुआ था। ओके, तो भाई वेस्ट करते गया भाई, कभी CTP आ रही है, सॉरी गाइस CTP तो आई नहीं रही, वरना CTP आता ना भाई कसम से बोलो मैं उसको जाने नहीं देता। तो यार ना भाई CTP आने आ रही, ये जो पीले कलर का पंख है वो आ जा रहा है, कभी ये नीला मतलब पत्थर आ जा रहा है, कभी ये रंगीन ये आ जा रहा है, कभी ये जो एकदम लोकल तरीके से वो कह सकते हैं CTP का बच्चा, ओके तो वो आ जा रहा है। अब भाई मेरी हटी, तो मैं बोला भाई छोड़ो। अब भाई मैंने जब ये आज ये एकदम रात के टाइम में रिफ्रेश होता है, मतलब एक तरह से दूसरा टाइम स्टार्ट होता है, तो भाई मैंने चेक किया तो भाई यहाँ पे मैंने चेंज रिवॉर्ड में गया तो एक्चुअली मैं यहाँ पे फ्री का ऑप्शन था, मतलब यहाँ पे जो 75 क्रिस्टल दिखा है ना वहाँ पे फ्री हो गया, तो मैंने उसके बाद क्लिक किया फ्री पे, तो भाई मेरा ये आ गया। तो भाई मैंने बोला कि भाई इसके ऊपर तो वीडियो बनाना है क्योंकि ये मेरी 1000 क्रिस्टल की ले लिया, तो भाई मैं इसकी लूँगा। भाई इस इवेंट पे भाई मेरा बहुत बुरा कटा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ओके, तो भाई अभी तो मेरा ये 1000 का CP हो गया भाई, मुझे एक सीख मिल गई है, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, ये मेरी सीख है जो मेरे साथ हुआ है कि भाई यहाँ पे सबसे पहले आपके पास 1000 क्रिस्टल ज़्यादा हो गया ना, सबसे पहले जाना यूनिफॉर्म के सेक्शन में, यहाँ जाना यूनिफॉर्म पे, यहाँ पे आप लोग देते हैं ना कि आपके कैरेक्टर में कोई सेल चल रही है कि नहीं, मतलब जैसे 40% डिस्काउंट या फिर बोलूँ तो 50% डिस्काउंट यानी 1050 में मिलेगा या फिर 875 में मिलेगा। ओके, 875 क्रिस्टल में मिलेगा या फिर 1050 क्रिस्टल में मिलेगा, तो भाई सबसे ज़्यादा वेस्ट वहाँ जाना, क्योंकि गाइस कल या परसों तक ना यहाँ पे मैं गौर किया था, यहाँ पे ना सेल चल रही थी कुछ कैरेक्टर यानी कुछ यानी 40 नहीं भाई 30 या 35 कैरेक्टर थे जो एक्चुअली में इनका यूनिफॉर्म यहाँ पे 1050 क्रिस्टल में मिला था। भाई मेरे पास 2240 क्रिस्टल थे, तो भाई मैं सोचा मैं ले लूँ, लेकिन भाई ये मेरी गलती है भाई, मैंने लिया नहीं, मतलब मैं उस टाइम पे दो यूनिफॉर्म, एक थॉर का ले लेता और एक अपने कैप्टन अमेरिका का ले लेता, क्योंकि सबको बताएगा इस मेरे सब्सक्राइबर को जो मेरे वीडियो देखते हैं कि मैं अभी तक इसके अंदर सिर्फ बेस्ट यूनिफॉर्म न्यू फ्यूचर रेस्टिक का वो भी है आयरन मैन का, क्योंकि आयरन मैन मेरा फेवरेट है, लेकिन अभी उसके चक्कर में भाई मैंने 1000 CP कमा दी। लेकिन अब भाई मैं जैसे ही 1000 CP होगी अभी शायद से एक हफ्ते बाद फिर से भाई जब कोई न्यू इस यूनिफॉर्म आए इसके अंदर तो भाई शायद से भाई फिर से ही स्टार्ट हो जाए 40% सेल, हो सकता है ऐसा अगर आ गया तो भाई मैंने सबसे पहले तो भाई मैं सोच लूँ मेरे पास 1000 से ज़्यादा क्रिस्टल रहेंगे तो मैं यूनिफॉर्म लूँगा, चाहे भाई कोई सब, मेरे पास तो अभी खाली एक ही यूनिफॉर्म परचेस किया हूँ। ओके, वो भी आयरन मैन का, सबको पता है। ओके, अब यहाँ मैं बता दूँ, अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है तो भाई सॉरी, क्योंकि माइक थोड़ा मेरे आगे पीछे हो रहा है, लेकिन यहाँ मैं बता दूँ अभी ये दूसरा इवेंट भी आया है, जैसे कि ये एक टाइम का टोकन है, ये एक्चुअली में 14 दिन तक चलेगा, लेकिन आपको 13वें दिन में ही आपको कलेक्ट कर लेना, मतलब 14 दिन में आपको मतलब बोल नहीं सकता, लेकिन आपके नाम
13 दिन हो जाए तो 13 दिन में आपको मिलेगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएंगे टोटल आपको डेली आपको जो मिशन, जैसे यहाँ पे एक मिशन है गाइस, यहाँ पे 5 मिशन, आप एकदम इजी मिशन है भाई, पढ़ के कर सकते हो एकदम बच्चों का खेल। सिर्फ गो पे क्लिक करना है, मिशन हो जाएगा, गो पे क्लिक करना, वहाँ पे कुछ मिशन है उसको कंप्लीट करना है, गो पे क्लिक करना, अगर आपको कॉमिक कार्ड अपडेट करने वाले हैं वो करना है आपको, गो पे क्लिक करना है भाई, 5 ही है और आपको डेली 50 टोकन मिलेंगे, और ये 50 टोकन लेने के बाद आपको यहाँ पे डेली मिलेंगे, तो यहाँ पे सिंपली 13वें दिन तक आपका हो जाएगा 650 टोकन, 650 सौपन में भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो लेना चाहते हो ले सकते हो। अगर आपके पास प्रीमियम कॉमिक कार्ड है तो ये मत लेना, क्योंकि आपके पास कॉमिक कार्ड अच्छा हो गया तो आप मत लेना, लेकिन आपके पास नहीं, जैसे मेरा भाई मैं अभी न्यू प्लेयर हूँ भाई, मैं बार बार न्यू प्लेयर क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मैं अभी आया हूँ गेम के अंदर होके, ज़्यादा सीरियसली मतलब मैं भी गेम के अंदर जैसे नवा नवा आया हूँ हाल ही में ही, तो यहाँ पे सिंपली से मेरा कॉमिक कार्ड अभी कुछ अच्छा सा सेट नहीं हुआ है, तो यहाँ प्रीमियम कॉमिक कार्ड को नहीं, तो भाई मैं कॉमिक कार्ड लूँगा, क्योंकि कॉमिक कार्ड लेने से सभी कैरेक्टर्स के ऊपर असर पड़ता है, ओके, मतलब ATK है, डैमेज है, HP है, उन सभी कैरेक्टर्स पर असर पड़ेगा, ओके, तो मैं कॉमिक कार्ड लेने वाला हूँ। अगर आप मेरे तरह न्यू प्लेयर हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, तो आप जाके कॉमिक कार्ड ले लेना। अब गाइस अदर चीज़ों की बात करूँ तो भाई और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग दे सकते हो, और भाई यहाँ पे मेरा मैं बोल दूँ कि मैं एक चीज़ मत लेना भाई जो मेरे खिलाफ से मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है, 400 टोकन में आप ये हल्क का स्किन नहीं है, ओके, ये स्किन नहीं है एक्चुअली, का आइकॉन एक प्रोफाइल है एक तरीके से, जिसके अंदर हमारे ID पे एक प्रोफाइल लगती है, वैसे ये एक प्रोफाइल है, ये आपको सी बना देगा, ओके, इसलिए भाई मैं पहले बोल दूँ ये एक प्रोफाइल है, ये एक्चुअली में हल्क का जो यूनिफॉर्म है भाई ये वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये यूनिफॉर्म, ये एक प्रोफाइल है जो कि एक्चुअली में हमको देखने को मिलती है हमारे कहीं, जैसा भी जान सकते हैं कि ये सेंटर का भी मेरा प्रोफाइल लगे, तो ऐसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोफाइल आपको मिलेगा, जो कि मेरे पास अभी एक्चुअली में है नहीं, है ना, तो यहाँ पे भाई मैं बोल दूँ कि वो हल्क की प्रोफाइल लेना मत, फोकट में आपकी 400 टोकन वेस्ट जाएगा, ओके। अब भाई बाकी सब मेगा टीयर 2 टिकट, अपना एक तरह से अपना बुक भी है, और भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली बहुत सारे इसके अंदर मटेरियल है, जिसका नाम मुझे एक्चुअली में लेने आता, तो सबको पता है मेरी इंग्लिश दया भाभी की तरह कमज़ोर है भाई, दया भाभी को जितनी इंग्लिश आती है भाई इतना समझना मुझे भी आती है, तो समझ जाऊँ फ़नी के लिए कुछ भी कर सकते हैं अपन, तो यहाँ पे फ़न है थोड़ा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6 स्टार तक है, और हिसाब से आप जो देख लीजिए भाई, मैं तो बोलूँगा मैं तो प्रीमियम कॉमिक कार्ड लेने का सोच चुका हूँ, तो भाई इन सब के ऊपर नज़र डालने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और हाँ अभी मुझे चाहिए ये मतलब टाइटन पैक चाहिए मुझे एक तरह से, जो बंद बॉक्स है खुला बॉक्स है, तो गाइस मुझे टाइटन पैक चाहिए एक तरह से, मैं इनको यही बोलता हूँ, तो गाइस यहाँ पे हो चुका है, तो अब चलते हैं अपने आगे तरफ कि भाई यहाँ पे मैंने सब थंबनेल में तो आपको सब चीज़ बता दी, थंबनेल में क्या क्या दिखाऊँ, अब भाई यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ, अभी के टाइम पे मैंने बोला था भाई मैं 2 से 3 दिन में अपने आयरन मैन को Tier 3 कर दूँगा, मैं बहुत गलत था, मैंने गलत फैसला लिया, 3 दिन में हो नहीं सकता, 1 हफ्ते में भी नहीं हो सकता भाई, 1 हफ्ते से ज़्यादा समय लगेगा, क्यों, सबसे पहले जब भी हम आयरन मैन को अपडेट करेंगे, आयरन मैन का मतलब गाइड कोर्स में जाते, तो भाई अपने को बहुत सारी रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जो कि एक्चुअली में आगे अपने को हेल्प करते हैं, क्योंकि Tier 2 करने में भी हमको ऐसे मिलता है, लेकिन यहाँ पे अपने को जो टाइटन पैक है या फिर कुछ अदर और भी चीज़ें हैं वो अपने को नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे अपने को पेड दिखाया गया, जैसे तब लोग ये जो दूसरी चीज़ है ना ये एक्चुअली में पेड है, अगर हाँ ये फ्री में रहता तो गाइस अपने को थोड़ी हेल्प हो जाती है, अपने को 5000 से ज़्यादा क्रिस्टल देने पर मिलेगा, वेस्ट ऑफ वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने अभी यहाँ पे ना एन मैन को मेरे गेट्स 24 करने हैं, और हालांकि Tier 3 करने के लिए हमने वो गेट 25 करने रहते हैं, तो यहाँ पे मैंने टोटली देख लिया है कि हमको ना गेट 25 करने के पहले अपने को बहुत सारे टाइटन बुक मिलेंगे, यहाँ देख सकते हैं अभी 150 मिलेगा, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, तो अपने को हो जाएगा 25, लेकिन अभी अपने को 24 करना है, तो अभी आपको मैं अपनी हालत बता देता हूँ एन मैन की, कि मेरे पास अभी 24 केयर में हुआ है सिर्फ 1, ओके, और अपने को बाकी 3 देख सकते हैं अब लोग, 3 केयर जो है ना भाई उसको मुझे 24 करना है, जो कि भाई समझ सकते हो कि अपने को टाइटन जो पैक है भाई
वो कितने मैच खेलने में मिलेंगे, और ये वर्ल्ड वॉर मैच खेलने में, वर्ल्ड बॉस मैच खेलने में मिलते हैं। तो भाई ये मेरी हालत है कि अभी मैं फिलहाल के लिए तो भाई मैं वर्ल्ड बॉस पांचों मैच अल्टीमेट खेल रहा हूँ, क्योंकि भाई आयरन मैन को जो टियर 3 करना है। ओके, अब भाई मैं इसीलिए सोच रहा हूँ, भाई बाकी यूट्यूबर बोलते हैं कि हम गाइड कॉस्ट में जाएंगे तो भाई बहुत हार्ड रहता है, बहुत हार्ड रहता है। भाई मैं उनको सल्यूट करता हूँ क्योंकि वो सही बोल रहे थे, वो सही बोल रहे थे भाई लोग। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो भाई आप सही बोल रहे थे। ये साले गाइड कॉस्ट और मार्वल वाले भी ना भाई, अपने को न्यू प्लेयर है भाई, खुद तो डिस्काउंट देना चाहिए, मतलब खुद तो भाई टीयर 3 का एक कैरेक्टर देना चाहिए। अब भाई सेंटर है तो सेंटर को अपने को एपिक कॉस्ट में जाना है, और एपिक कॉस्ट का टास्क सबको पता है क्या रहता है। अब भाई ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अब फ्यूचर में सेल आती है तो भाई मैं यूनिफॉर्म परचेस करूँगा, और उसके बाद मैं उसके ऊपर वीडियो बना के यूट्यूब पर डालूँगा भी, और वो भी शॉर्ट वीडियो, क्योंकि इतनी जल्दी इतने मतलब एकदम टाइम नहीं लगता यूनिफॉर्म परचेस करने में, 1 क्लिक में यूनिफॉर्म परचेस हो जाता है। अब गाइस कॉल ऑफ ड्यूटी कब आएगा, कॉल ऑफ ड्यूटी का वीडियो अभी मैं पेंडिंग रखा हूँ, क्योंकि अभी तक कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने ओपन नहीं किया है, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। हालाँकि मैं पिछली वीडियो शायद लेजेंडरी फ्री के ऊपर डाला था, 40 रुपये मेरी थी भाई, मैं तब से मैं क्वालिटी ओपन नहीं किया। लेकिन अभी इसके अंदर मैं क्यों खेल रहा हूँ बताऊँ आपको, इसके अंदर आपको क्रिस्टल फ्री मिलेगा, आपको गोल्ड फ्री मिलेगा, आपको यहाँ टोटली चीज़ फ्री मिलती है। ओके, फ्री में चीज़ मिलती है, तो इसलिए मैं ये अच्छा लगा। और एक और प्लस पॉइंट है कि मैं मार्वल का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, मार्वल के कैरेक्टर का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, और जो इसके अंदर स्टोरी चलती है, एक्चुअली यहाँ पे एक लेजेंडरी बैटल रहते हैं जो कि एक्चुअली में एक स्टोरी को प्रेजेंट करता है, जो कि 3 मिशन में होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।